कैसे हो आप लोग? मैं आया था एक शॉर्ट सूट के लिए। बहुत ही सूट पे फ़ोन यूज करने को मिलता है ना भी मिलता है, तो सूट ख़त्म हुआ। मुझे भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं मुंबई के मलाड शहर, जो दाना पानी रोड के पास एक बहुत ही बड़ा समुद्र बीच कह सकते हैं, वो था जो देखने को मुझे मिला। इतना खूबसूरत और सुकून भरा समुद्र था जो बहुत ही बढ़िया था। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। शशि, एक भैया मिले जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल पूछ रहा था कि क्या है, तो उनको मैं बताया। वो भी मछली यहाँ पे पकड़ने आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, समझाई कि क्या है कैसे है। तो देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से मैं दिखाता हूँ। चलो, तारली मिल जाती है, तो ये साल तारली मिली नहीं यार। तारली मिली नहीं और तारली अपने पास पड़ी नहीं, लेकिन करेंगे क्या? मच्छी जरा मुंह नहीं मार रहे। क्या हो गया मच्छी को? क्या मार भाई, चार मेरे लिए ना कम से कम 3-4 हज़ार। बापी पेट का सवाल है भाई, ये इसका ही सालन बनाते हैं, इसकी रोटी बनाते हैं, इसकी चावल बनाए खा लेते हैं जी। हाँ, चारों का यही है। और तुमने भी जैसे कोई आ जाता है तो एक हाथ कोई बिरयानी मंगा देता तो मंगा दे। क्या मंगा रहा हूँ? वाह, आपने बात ही वैसे। आप यूट्यूबर है क्या? हाँ, ब्लॉगर। डालो ना यूट्यूब में। हाँ, साइड ला। अंकल मिला कि नहीं अभी तक? एक भी नहीं, अभी तो मिला भी नहीं और मिली भी नहीं। आज सैटरडे फ्राइडे है ना, छुट्टी पे दोनों दोनों मिला भी और मिली दोनों दोनों नहीं मिली। मिल जाएगी, मेहनत आप करो, जल्दी मिलेगी। सफेद कपड़ा पहन के रहेगा तो थोड़ी आएगी। मेरे पेट पे लात मार रहा तू, तेरा वीडियो बना रहा है। सफेद कपड़े पे नहीं आती है मछली? नहीं ना भाई, अभी देख हम लोग को पानी में से मच्छी तैर रही तो हम लोग को दिख रही है बराबर। ये भैया बता घूमते रहते वाक की नजर नहीं होगी, समझे? एक मछुआरे की नजर जैसी एक वाक की नजर भी नहीं हो सकती, इतनी तेज नजर होती है। क्या बात है। अगर काली ऊपर से अगर जा रही ना, उसके वेव से उसको पता चलता है कि मच्छी जा रही है। पूछ लेना, देखो उधर, देखो झुंड है उधर, वहाँ बॉय का झुंड है। ऐसे ही ना चारा मार रहा था ना, वो देखो वहाँ कपल
उन लोगों का काम ही है मछली को पकड़ना और बेचना और खाना। तो मैंने वाइट कलर का शर्ट पहना था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि वाइट कलर से मछली भाग जाती, बहुत सारी बातें, बहुत ही अच्छा लगा। तो अब दिखाता हूँ आगे का नज़ारा कितना भी है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा। तो देखो, बहुत लोग सभी जगह घूमने जाते हैं इंडिया में, आगरा हो गया, शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, लेकिन मुंबई भी बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, या मतलब आप कह सकते हो कमाने के सिलसिले में सब कुछ के लिए मुंबई अच्छा ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई अदर राज्य भी ठीक नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन मुंबई भी बहुत ही अच्छा। आप देख सकते हो नज़ारा, चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम्हें एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खुले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, तुम जो कि न चले मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा चीज़ मुझे मिल जाएगा। मुझे गणेश जी का मूर्ति मिला जो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा, मिला तो खुशी हुई और मैं उनको सही स्थान पे सही जगह पे रख दिया और उसके बाद आगे बढ़ गया। मुंबई में बहुत सारे समुद्र हैं जो घूमने वाले हैं, जो बहुत सारे फैमिली अपने पिकनिक मनाने आते हैं, या कपल आते हैं, या दोस्त लोग अपने पार्टी भी मनाने आते हैं, कोई बर्थडे भी तो मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा कि बहुत लोग पार्टी बना रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, शांति था और इंजॉय किया सबने। मैंने भी इस पल को अच्छे तरह से महसूस किया और खुशी मिली बहुत ही। वो समुद्र की पानियों की लहर की आवाज़ सुनने में और ही बहुत ही मज़ा आ रहा था, दिल खुश हो जा रहा था। आप भी सुनो, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं पहले मिला था, क्या नाम है भाई आपका? रोहित। रोहित नाम है। ये कहाँ से हो आप? दादर। दादर से ही, मुंबई में ही दादर ये पड़ती है, वहीं का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, दिल मन को जितना शांति मिलता है ना, बहुत ही मन को शांति मिलता है। जूही चौपाटी से भी अच्छा ये जगह है, आप आ सकते हो कभी घूमने। बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बादल गरजा पानी बरसाए नदी।
मछली चली चले, बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चले, झील के ऊपर बरसा पानी आई बत्ती हरी हरी। क्यों न इसी में मस्ती के साथ थोड़ा सा और मस्ती किया जाए। मैंने अपना नाम लिखा जो अच्छा ही है, और मेरे साथ एक जो रोहित दोस्त बन चुका था उन्होंने भी अपना नाम लिखा था। दोस्त थे जो भाई मिले ने कहा कि भाई मेरा भी आप दिखा दो अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने लिखा। अब आगे का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ये मछली का मार्केट बहुत ही किस्म का, मतलब मैं किस ऐसा ऐसा मछली था कि जिसको मैं सिर्फ टीवी पे या वीडियो वगैरह में देखा, तो वो आज मैंने रियल आँख से देख लिया कि यार क्या बात है। अक्टूबर्स भी मैंने देखा, बहुत ऐसे ऐसे मछली थे जिसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं पता, भी नाम भी नहीं पता है, ऐसे ऐसे मुझे मछली देखने को मिला, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये चीज़ मेरे लाइफ के लिए नया था और लाइफ का फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मुझे मिला। तो आप भी देखो, आप कभी आओ मुंबई तो ये चीज़ भी देखो, और यहाँ का मछली अगर खा रहे हो आप तो खा कर देखो, अच्छा ही लगता है। तो आ रहा है।